गाजियाबाद जिला प्रशासन और नगर निगम ने अर्थला झील के किनारे कथित रूप से अवैध मकानों को गिरा दिया। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद परिवार घर से बेघर हो गए हैं। रोल मैम, आईएमडी को लेकर जो उनकी भूमि थी जो जुड़ी हुई थी उसको निरस्त करने के ऑर्डर आपने दिए हैं, क्या कुछ पूरा प्रकरण था, किसने इस पे शिकायत की थी और जो जांच कमेटी आपने बताई थी उसके तहत क्या कुछ निकल कर सामने? आईएमटी कॉलेज की जांच कमेटी जीडीए में बिठाई गई थी, उसका प्रस्ताव आए थे और उन पर 25 तारीख को निर्णय दे दिया गया था। उसके तहत 10,000 स्क्वायर मीटर जो एक्स्ट्रा ज़मीन थी जिसका जीडीए को कॉस्ट नहीं मिल पाई थी उसका निरस्तीकरण का आदेश भेज दिया गया। मैम, इसमें अब आईएमटी कॉलेज के पास क्या ऑप्शन बचता है? क्या ये ज़मीन अब आईएमटी परचेज कर सकता है या फिर जीडीए इसको एक्वायर करेगा, ऑप्शन इसका या फिर इसकी दोबारा से रखी जाएगी? नहीं, आईएमटी के पास अभी उनको ऑर्डर कल ही मिला है तो वो भी अपने लीगल अपने एंगल से देखते हैं, प्लस जो आज के जियोज हैं आज की डेट के, क्योंकि अलॉटमेंट बहुत पुराना है, आज के प्रेविलेंट जियो के हिसाब से दे कैन री अप्रोच शासन को, हम लोगों को, और लीगली जो भी पॉसिबल है या क्या उनको एवेन्यूज हैं वो उनके प्रस्ताव के बाद ही निर्णय। मैम, आखिर पूरा मामला है क्या?